अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं हमारी मैरंग कितनी जबरदस्त बनी है थ्री कलर में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त बनी है। आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, बहुत ही जबरदस्त बनी है। मुझे नीचे कमेंट में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें कुछ ऐसी चीज बताएं, हम अपने बच्चे का केक बनाते हैं होममेड घर पे तो उसके ऊपर डेकोरेशन नहीं कर पाते, तो आपका भाई फिर किसके लिए? अगर आप कमेंट करते हो तो आपका भाई ना लेके आए तो किसने लेके आनी है? आप अपने भाई को फरमाइश करते हो तो आपका भाई वो ना लेके आए, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आज आपका भाई लेके आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने मैरिंग बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाई है, एक छोटी सी रेसिपी लेके आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसे ज़बरदस्त केक की रेसिपी लेके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त मैरिंग मैंने बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आई है, एक छोटी सी रेसिपी बनाई है कि आप अपने घर में जब केक बनाएं तो आप बच्चे का हैप्पी बर्थडे का तो आप ऊपर मैरिंग की डेकोर कर सकें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया, मैंने पहले यूट्यूब से देखा कि कैसी रेसिपी है, वो बहुत मुश्किल थी। मैंने अपने दिमाग से एक रेसिपी सोची, क्यों ना एक छोटी सी रेसिपी दूँ जो आप अपने होम मेड घर पर बना सकें। वो दूसरी रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर पाया वो, क्योंकि मुश्किल थी थोड़ी सी। एक छोटी सी रेसिपी, लेकिन ये भी उससे भी ज़बरदस्त बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है ये वाली में जो मैंने मकरून बनाए हैं, तो ये भी उससे भी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। आपने वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना है कैसी बनी है। पर जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया, आपने वैसे वैसे करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगी, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को पूरा देखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने, आप और भी कलर बना सकते हैं, मैंने ब्लू बनाया, पर्पल बनाया और पिंक बनाया। अगर आप रेड बनाना चाहें तो रेड भी बना सकते हैं, वाइट भी बना सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो बना सकते हैं। अपने भाई को ऐसे तावन करें, आप बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने भाई को ऐसे ही प्यार दें, आपका भाई ऐसे ही ज़बरदस्त रेसिपी लाता रहेगा। अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं एक मिनट चुप कर जाता हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आता हूँ, लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? व्यू आपको बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अभी चलते हैं मैरिंग की तरफ जो मैंने बनाई है, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की उनके बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। सब्सक्राइब करें माई यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं आपकी उसको नोटिफिकेशन साथ में मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसमें जो डालनी है मेयोनेज, ये हमारी होगी अंडे की सफेदी 500 ग्राम जी। अभी हम इसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे, अभी हम इसके अंदर जो है आइसिंग शुगर ऐड करेंगे 1 kg, हमारी 1 kg जो है हो चुकी है, थोड़ा सा कम है क्योंकि पैकेट में 500 ग्राम होती है, लेकिन मैंने 2 पैकेट इसमें डाले हैं, लेकिन थोड़ा सा 10 ग्राम इसमें कम है, मुश्किल नहीं है इसकी, कोई बात नहीं है। अभी हम उसके अंदर इसको ऐड करते हैं जी, आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। जी अभी आपने इसमें लेमन ऐड करना है 10 ग्राम, कि जिसकी ये शाइनिंग अच्छे से आ जाएगी। ये मैंने 10 ग्राम इसमें लेमन ऐड कर दिया, जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी जो मैरिंग है वो हो चुकी है। अभी हम इसमें कलर ऐड करेंगे, जितने कलर आपको चाहिए आप उतने कलर ऐड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी इसमें कलर ऐड कर दूँगा। अभी जी हम इसका पिंक कलर बनाएंगे, मकरून जो हमने बनाने हैं, जो हमने आपको मैरिंग सिखाई है इसमें पिंक कलर है, पहले ऐड करेंगे। आपने कलर जो है बिल्कुल लाइट ही रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं रखना,
जी अभी हम इसके अंदर पर्पल ऐड करेंगे कलर। जी अभी हम पर्पल फ्लावर निकाल लेंगे। ये मैं फ्लावर इसलिए स्टिक के ऊपर निकाल रहा हूँ, मैं आपको ये एक सामने स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर का, ये ऐसे आपने लगाने हैं, ये थोड़े से केक के ऊपर आने चाहिए। माशाल्लाह ये हैप्पी बर्थडे का डेकोरेशन का है। जब आप होममेड घर पे जब आप बनाते हैं तो आपको डेकोरेशन के लिए मुश्किल पड़ती है, इसलिए जी आज मैं होममेड के लिए लेके आया हूँ, जो अपने घर पे आप अच्छे से डेकोरेशन कर सकें। जी अभी हम इसके अंदर ब्लू कलर ऐड करेंगे। कर लेंगे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावर आ रहे हैं, ऐसे आपने करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। आप इसके मैक्रोन भी बना सकते हैं राउंड में, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बना के दिखाता हूँ कि वो आप कैसे बना सकोगे। ये भी एक अच्छी सी डेकोरेशन है, आप वैसे भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। इसके अंदर फौरन के अंदर रख देंगे 50-50 की हीट पे, ज़्यादा नहीं आपने हीट लगानी। अभी हम इसको एक घंटे ऐसे रख देंगे 50 की हीट पे, बाद में हम इसको चेक करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी मैरिंग फुल तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बनी, देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त फ्लावर बना है केक के ऊपर लगाने के लिए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक के फ्लावर लगाने के लिए बना है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। एक छोटी सी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने कमेंट में बताना है हमारी मैरिंग कैसी बनी है, और नीचे कमेंट में आपने लाजमी बताना है ये हमारी कैसी आपको रेसिपी लगी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।